नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको मेरे चैनल में फिर से एक बार। मैं हूं आपकी वही अंजलि। दोस्ती एक वो एहसास होता है जो अनजाने लोगों को भी पास लाता है, जो हर पल साथ दे वही दोस्त कहलाता है, वरना तो अपना साया भी साथ छोड़ जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना, हम आज की डेली राशिफल की बात कर रहे हैं। सबसे पहले आज जिनका बर्थडे है या एनिवर्सरी है उनको मेरी तरफ से ढेर सारी गुड विशेस। तो चलिए अब शुरू करते हैं। जब समय का तमाचा पड़ता है तो कोई फकीर तो कोई बादशाह बन जाता है। जब आप एक कठिन दौर से गुजरते हैं, जब हर कोई आपका विरोध करने लगता है, जब आपको लगता है कि आप एक मिनट भी सहन नहीं कर सकते, तो उस वक्त कभी हार मत मानना, क्योंकि यही वो समय और स्थान है जब आपका अच्छा समय शुरू होगा। जिंदगी के बदल जाने में कभी भी वक्त नहीं लगता, कभी कभी वक्त बदल जाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है अगर विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर चिंतन करे। मुश्किल वक्त दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर है, जो एक पल में आपके चाहने वालों के चेहरे से नकाब हटा देता है। जो अपने भविष्य को आनंदमय बनाना चाहता है तो उसे अपने वर्तमान समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। आपको भी अपने वर्तमान समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए। खाली मत बैठे रहिए, कुछ ना कुछ करते जाइए और निश्चित ही जीत आपकी होगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के डेली राशिफल के बारे में। शुरुआत में भाग्यशाली रंग जो है वो रहने वाला है आज का ऑरेंज रहेगा, यानी कि संतरी या केसरी जिसे आप बोलते हैं। और हाँ, लकी नंबर रहने वाला है आज के दिन 9 रहेगा। सितारे की आज बन रही है दृष्टि आपके ग्रहों पर, तो वो कहते हैं कि आज का दिन आपके लिए बहुत ही अपने काम और जिम्मेदारियों के प्रति समर्पित होने का है। आप अपनी एकाग्रता से कई रुके हुए कामों को अंजाम देंगे, बल्कि अपने ही नहीं लोगों के कामों को भी कंप्लीट करने में आप मददगार साबित हो सकते हैं। इसलिए आज आपको मान सम्मान भी मिलता नजर आएगा। कोई परेशानी अगर चल रही है आप में से कुछ लोगों की, तो वो जल्दी ही सॉल्व हो जाएगी, टेंशन मत लीजिए ज़्यादा। और हाँ, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही बढ़िया दिन है आज का, बल्कि परीक्षा में बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अपनी मेहनत में कोई कमी मत होने दीजिएगा। और हाँ, सोशल साइट पर ज़्यादा स्पेंड मत कीजिए अपना बेशकीमती टाइम, इसको जो है सही चीज़ों को सीखने में लगाइएगा। आप कई चीज़ें सीख सकते हैं, आपको बहुत सारी एप्लीकेशन यूट्यूब वगैरह में आप बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, तो ज़रा उस पर फोकस करें। अच्छा, आपकी जो भी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, वो जल्दी ही कंप्लीट होती नज़र आएंगी, आपको ऐसा लगेगा। और साथ ही में कोर्ट कचहरी से रिलेटेड कोई भी आपका केस वगैरह है, तो उसमें भी आपको राहत मिलती नज़र आ रही है। साथ में आज आपको कई मामलों में प्रगति भी देखने को मिल सकती है, ऐसे सितारे कह रहे हैं आपके। आजकल आप जो हैं आत्म केंद्रित होकर अपने बारे में ही मनन व चिंता कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, और बदलते परिवेश की वजह से कुछ नई नीतियाँ भी बनाई हैं, यानी कि आपने अपनी हर चीज़ में कुछ नया बदलाव किया है जो कि आपके लिए भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। अगर बीमा या निवेश रिलेटेड कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगी। पैसे की उधारी संबंधी लेन देन मत कीजिएगा, किसी को उधार पैसा मत दीजिएगा। और हाँ, अगर कोई आपसे पैसा लेना चाहता है तो अभी मना कर दीजिए प्लीज़। ज़्यादातर समय घर से बाहर की गतिविधियों में बीत सकता है, जिसका कोई भी उचित परिणाम आज आपको हासिल नहीं हो सकता। सिर्फ प्लानिंग्स बनाने में समय ज़ाया मत कीजिए, बल्कि उसे ज़रा करने पर जोर डाल दी, कुछ करके दिखाइए। साथ में आज का दिन सितारे कहते हैं आपके लिए कन्फ्यूज़न से भरा भी हो सकता है, फैसला लेने में दिक्कतें आ सकती हैं, आप काम के भारी दबाव में भी हो सकते हैं, आपके लिए दिन काफ़ी तनावपूर्ण भी हो सकता है। ऐसा कई लोगों का होगा, हर किसी का नहीं होता। इस मामले में आपको खुद कोई फैसला लेने की बजाय किसी एक्सपर्ट से राय ज़रूर लेनी चाहिए। और हाँ, विपरीत परिस्थितियों में भी आप अपने लिए कुछ अच्छा समय निकाल सकते हैं। अपने लिए समय निकालेंगे तो अपने आप पर टाइम स्पेंड करेंगे, बहुत ही अच्छी चीज़ें मिलेंगी, आराम भी फरमा सकते हैं, आज आपको साहस भी मिल सकता है। साथ में जो जिसका आपको कोई सरकारी काम है, किसी लोगों का आप में से कुछ लोगों का सरकारी काम है, कोई बाधा आ रही थी तो उसमें भी सितारे कह रहे हैं कि आज आपको सोल्यूशन मिल सकता है। आज आपके स्वभाव में भावुकता देखने को मिलेगी बहुत ज़्यादा। घर में किसी प्रिय मित्र का आगमन हो सकता है, परिवार के साथ घूमने फिरने का मौका भी मिल सकता है, किसी फ्रेंड्स के साथ जो है बाहर जा सकते हैं या फिर किसी रिश्तेदार के यहाँ जा सकते हैं, मन बहुत प्रसन्न रहेगा।
भावना प्रधान होने की वजह से जरा सी भी नकारात्मक बात, नेगेटिव चीजें आपको व्यथित कर सकती हैं। ध्यान रखिए इस बात का, जिसका असर जो है आपके स्वास्थ्य पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। और हाँ, इनकम के साथ साथ खर्चों की भी दिक्कत बढ़ती नजर आ रही है। अपने बजट का अवश्य ध्यान रखिएगा और उतना ही खर्च कीजिए जितना इम्पोर्टेंट है। फिजूल की चीज़ों पर खर्च मत कीजिए, वरना आपके जो पैसे हैं जल्दी जो है ख़त्म होते नज़र आएंगे और आपको टेंशन लग जाएगी कि और ज़्यादा इनकम करनी चाहिए। इसलिए है जो मैं कहती हूँ कि फिजूल खर्चा मत कीजिएगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बिजनेस और करियर के बारे में। आज बिजनेस कहता है कि व्यवसाय में संबंधित आज कोई भी इम्पोर्टेंट फैसला ले सकते हैं, और हाँ, कई लोगों का जो फैसला है स्थगित भी हो सकता है। अगर आप निर्णय जो है आज ना लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि कुछ गलतियाँ होने की शंका लग रही है। बेहतर होगा कि अपने कार्यों में किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लीजिएगा। आज जो लोग युवा वर्ग हैं उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड जॉब मिलने की पूरी पूरी उम्मीद नज़र आ रही है। साथ ही में आज आपको अधिकारियों की जो है नाराज़गी का शिकार भी होना पड़ सकता है। व्यवसाय का क्षेत्र जो है आज कुछ उसमें परिवर्तन लाने की आवश्यकता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और हाँ, आज ऑफिस का कुछ नवीनीकरण भी करवा सकते हैं। वास्तु दोष से रिलेटेड नियमों द्वारा सुधार लाने का आप जो है कार्य करें, बहुत ही बड़ी और पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। साझेदारी से रिलेटेड व्यवसाय में योजनाबद्ध तरीके से काम करना होगा, पूरी प्लानिंग के साथ अपनी पार्टनरशिप को निभाइए, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया होगा आपके लिए। साथ ही में नौकरी में तबादले के योग बन रहे हैं, ये तबादला आपकी पसंद की जगह हो सकती है, तो इसलिए आप खुश हो जाइए, आपके लिए समय बहुत ही बढ़िया कहा जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज की जो है लव लाइफ के बारे में। तो आज लव लाइफ आपकी कहती है कि आज जो है किसी आग रिश्ते में अपमानजनक स्थितियाँ बन सकती हैं, ऐसा सामना करना पड़ सकता है आपको। बातें जो हैं किसी बातों में मत आइएगा, बस संभल कर रहना होगा आज के दिन। और ध्यान रखिए कि जीवन साथी के साथ छोटी बात को लेकर कहीं तकरार ना होने पाए। अपने व्यवहार को जो है पॉजिटिव बनाकर रखना होगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पति पत्नी के संबंध बाकी लोगों के सौहार्दपूर्ण रहेंगे ज़्यादातर। और हाँ, फिजूल की मौज मस्ती में समय भी ज़ाया मत कीजिएगा, समय बेशकीमती है, इसका जो है सही चीज़ों में आप इसका स्पेंड कीजिए तो बेटर रहेगा। जो लोग सिंगल्स हैं, अविवाहित हैं, उनके लिए रिश्ते की बात पक्की होने वाली है, जल्द ही परिवार में नया मेहमान आने वाला है। जी हाँ, तो चलिए इस बात पर बहुत ही बहुत बधाई हो आप सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य कहता है कि मानसिक काम करने की वजह से सिर दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याएँ आप महसूस कर सकते हैं। आज आपको स्किन से रिलेटेड कई लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है, तो कोई बात नहीं, जल्द ही सोल्यूशन हो जाएगा। बस आपको जो है अपने खाने पीने की चीज़ों और दिनचर्या पर संयमित जो है चीज़ें रखनी होगी। तनाव नहीं रखना है, बस रिलैक्सेशन फील करवानी है अपने आप को। और हाँ, आप जो है मेडिटेशन कीजिएगा, इसके लिए आप जो है गाइडेड मेडिटेशन वगैरह साउंड्स को सुनकर, म्यूजिक को सुनकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा स्वास्थ्य के लिए। तो चलिए आप विशेष उपाय की बात करते हैं आज के। तो आज का विशेष उपाय ये कहता है कि आज आपको जो है घर से निकलते वक्त जो है दही खाकर निकलना चाहिए। और साथ में अगर आप किसी गरीब को या भूखे को आप कोई अन्न दान करते हैं, रोटी खिलाते हैं, तो वो बहुत ही बढ़िया नतीजे देखने को मिल सकते हैं आपको। साथ में आज दुर्गा कवच का पाठ पढ़ना आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे जो है आपके चारों तरफ जो है एक ऊर्जा बनी रहेगी जो आपको हर मुसीबत से बचाती रहेगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।